वेरोनिका, वेरोनिका। मस्तंगीज, वेलकम टू अनदर व्लॉग गाइस। वेल, आज बहुत 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 दिन बाद हम लेके आए हैं एक हॉरर चैलेंज गाइस। यस, कई दिन हो गया था कि हमने हॉरर चैलेंज नहीं किया था। इनफैक्ट हमने करना बंद कर दिया था हॉरर चैलेंज, एंड लाइक बिकॉज थिंग्स वर नॉट गोइंग वेल। बट एनीवेज, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, अभी हमने सोचा कि ठीक है, मे बी इट वॉज नॉट बिकॉज ऑफ द हॉरर चैलेंजेस, तो हमने सोचा कि एक बार और ट्राई कर लेते, लेट्स डू वन, बिकॉज काफी टाइम हो गया है, तो एक हॉरर चैलेंज तो हम ट्राई कर ही सकते हैं। बेसिकली ये हॉरर चैलेंज हमने सोचा कि इसलिए करें क्योंकि कुछ थोड़ा सा अलग भी होगा, क्योंकि काफी टाइम से नहीं किया था, तो और भगवान का नाम तो हम ले ही रहे हैं रोज, तो होपफुली कि ये चैलेंज पे कुछ ऐसा भयानक कुछ गड़बड़ नहीं होगा, तो इसीलिए हमने सोचा कि आज ये एक चैलेंज करते हैं। और ये हम रिस्क सिर्फ आप लोगों के लिए उठा रहे गाइस, क्योंकि हमें पता है कि आप लोगों को हॉरर व्लॉग्स और हॉरर चैलेंजेस बहुत अच्छा लगता है देखने के लिए, इसीलिए ट्रस्ट मी, इट्स फॉर यू गाइस कि हम ये रिस्क उठा रहे हैं और आज ये चैलेंज करने वाले और ये काफी महीनों के बाद हम करने जा रहे हैं। हाँ। क्योंकि लास्ट टाइम जो हमने किया था वो बहुत दिन हो चुके। हाँ। और आज एक और बार हम ये करने जा रहे हैं, इसमें गैप बहुत हो गया। So, आज के चैलेंज में देखते हैं, ये थोड़ा अलग सा चैलेंज है और बहुत ही खतरनाक चैलेंज है, और देखते हैं इसमें आज कुछ देखने को मिलता है, कोई एक्टिविटी होती है या फिर ये एक नॉर्मल सा चैलेंज होता है। सो इसको आगे बढ़ाते हैं। सो गाइस, आई विल टेल यू अबाउट द चैलेंज की क्या है क्या नहीं, बट बिफोर दैट प्लीज सेंड योर स्टोरीज फॉर आपकी कहानी आपकी जुबानी और मॉम की रसोई के लिए रेसिपीज भेजे। हम दोनों को इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, हम दोनों को मैसेज करें स्टोरी के रिगार्डिंग, या तो आप ईमेल भी कर सकते हो, वॉइस नोट भी छोड़ सकते हो, और मॉम की रसोई के लिए आपको वीडियोस भेजने पड़ेंगे, बस कमेंट बॉक्स पे मैसेज ड्रॉप कर देना कि आप लोगों ने भेजा हुआ है। सो इंस्टाग्राम के लिंक और हमारी ईमेल आईडी आप लोगों को मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो कमिंग टू द हॉरर चैलेंज गाइस, आज हम करने वाले हैं दी वेरोनिका रिचुअल। वेरोनिका रिचुअल चैलेंज आज हम करने वाले हैं, एंड ये चैलेंज बेसिकली कहा जाता है कि सबसे डेडली चैलेंज है ये, सबसे मुश्किल चैलेंज है ये, और बहुत ही डेंजरस है, बहुत ही डेंजरस है, दी मोस्ट डेंजरस चैलेंज माना जाता है इसको। अभी तक का सबसे डरावना टास्क है, क्योंकि इससे डेंजरस कोई टास्क था ही नहीं, और इसे करने वाले भी बहुत लिमिटेड लोग हैं। तो बेसिकली अगर हम बोलने चाहे कि जैसे हमने देखा कि इंटरनेट पे सर्च की सबसे डेडलीस्ट चैलेंज माना जाता है, और ये चैलेंज बेसिकली करना चाहिए रात को 12 बजे, तो अभी तक 12 बजे नहीं है। हाँ। थोड़ी देर में बजने वाले हैं और हम आपको टाइम भी दिखाएंगे जब हम ये चैलेंज शुरू करने वाले हैं। एग्जैक्टली एट 12 o'clock इन द नाइट हम ये चैलेंज करने वाले हैं गाइस। डर तो बहुत लग रहा है, बट प्रेइंग कि सब सही रहे। और वेरोनिका चैलेंज का एक ब्रीफ मैं आपको दे देती हूँ। ये लड़की के बारे में है वेरोनिका, जो बेसिकली सुपरनेचुरल रिचुअल्स या ये चैलेंजेस या घोस्ट से बात करना बहुत पसंद करती, बहुत दफा करती थी, बार बार करती थी, क्योंकि उसको ये सुपरनेचुरल जो वर्ल्ड है बहुत फैसिनेटिंग लगता था, और वो चाहती थी बार बार कि मैं स्पिरिट से बात करूं, घोस्ट से बात करूं, उनसे कनेक्ट करना चाहती थी, कम्युनिकेट करना चाहती थी, और उस वजह से वो काफ़ी सारे रिचुअल्स करती थी वेरी ऑफन। तो करते करते ऐसा हुआ कि एक दिन जब वो ऐसे स्पिरिट को बुलाई रिचुअल करते करते, तो उसने बाय चांस गलती से डिसरिस्पेक्ट कर दिया उस स्पिरिट को, और उसके बाद बिकॉज ऑफ दैट डिसरिस्पेक्ट शी लॉस्ट हर लाइफ, बिकॉज वो रिचुअल में अपेरेंटली उसको सीजर्स की जरूरत थी, तो उसने एक सीजर उठाया और एंड शी स्टैब्ड हरसेल्फ इन द नेक, अपने थ्रोट में सीजर डाल दी और उसकी डेथ हो गई। तब से लेके आज तक यही बोलते हैं कि वेरोनिका की स्पिरिट भी है जो लोगों के साथ कम्युनिकेट करना चाहती है, और अगर आप एक मिरर के सामने खड़े होके 9 बार उसका नाम लो तो वो मिरर से बाहर आती है, एंड देन एनीथिंग कैन हैपन। आई डोंट नो व्हाट विल हैपन, मुझे नहीं पता क्या होने वाला है। इस पे हम अपना जो भी रूल्स है रेगुलेशंस है उसको फॉलो करेंगे स्ट्रिक्टली। yes. और हम ट्राई करेंगे कि किसी भी स्पिरिट अगर हमसे टकरा जाती है इस रिचुअल के दौरान या इस गेम के चैलेंज के दौरान, तो उसकी हम डिसरेस्पेक्ट नहीं करेंगे। yes. उसको उसके लिए एकदम हम अच्छे से जो भी है वेलकम करेंगे,
और अच्छे से बाय भी करेंगे, क्योंकि अगर वो किसी दूसरे दुनिया की आती है और उसे बेइज्जती फील होगी तो शायद वो हमें कुछ नुकसान पहुंचा सकती है। हाँ। तो इसका हम पूरा पूरा ध्यान रखेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट वही है गाइज कि अगर आप स्पिरिट बुला रहे हो, यू हैव टू मेक श्योर कि आप उन्हें डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो। एक तो उनको सामने से बुलाना भी नहीं चाहिए, इज बिकॉज यू आर डिस्टर्बिंग देयर वर्ल्ड, यू आर डिस्टर्बिंग देयर पीस, वो भी नहीं करनी चाहिए। बट अगर कर भी रहे हो तो पूरा रिस्पेक्ट के साथ करो। yes. और उनको फ्री भी कर दो, अगर कोई आता है तो जाने के लिए कहो, बिना गुड बाय कहे कोई भी रिचुअल या चैलेंज नहीं हो पाता है वो। हाँ, सो इट इज वेरी इम्पोर्टेंट। ऐसे कुछ हमें लगेगा नहीं, ये कैंडल लगेगा, माचिस लगेगा, मिरर लगेगा, एंड ऑफ कोर्स खूब खूब सारा रिस्पेक्ट फॉर द स्पिरिट, एंड आई जस्ट होप कि कुछ गड़बड़ ना हो। एंड ये गेम बेसिकली कहते हैं कि डार्क रूम में अकेला बंदे को ही खेलना चाहिए। तो फर्स्ट विवेक विल गो, देन आई विल गो, और आई विल गो एंड विवेक, वो देखेंगे। अभी एक एक जन करके करेंगे, एक जन रूम के बाहर रहेगा, एक जन रूम के अंदर रहेगा, और फिर मिरर को देख के 9 times वेरोनिका का नाम लेना है। सो लेट्स सी क्या होता है। ऑल्सो गाइज एक और बात भी कह देना चाहती हूँ, ये भी कहते हैं कि अगर इनकेस रिचुअल के दौरान, चैलेंज के दौरान अगर कैंडल बुझ जाती है तो इमीडिएटली लाइट्स ऑन करें, विंडोज खोल दे और वो रूम से एग्जिट हो जाए। ये सब कुछ लिखा हुआ है नेट पे, हमने रिसर्च किया है, उसके बाद ही हम ये कर रहे हैं। वेल आई होप कि कुछ गड़बड़ ना हो और सब कुछ अच्छा ही हो। सो अब स्टार्ट करेंगे हम, और टाइम मतलब ऑलमोस्ट होने ही वाला है। तो स्टार्ट करने के पहले जो टाइम है वो आपको हम दिखाने वाले हैं, और मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं डेवी को भेजूँ, क्योंकि ये बहुत ही संभल के करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें स्ट्रिक्ट वार्निंग लिखी हुई थी कि अपने रिस्क पे इसको करें अगर आप ये चैलेंज करने जा रहे हैं तो। हाँ। तो ये मुझे प्रोटेक्शन देने आई हुई है, और हॉरर चैलेंज करेंगे, हॉरर चैलेंज इनको भी करना है। सो ये अभी नहीं, नहीं तुम ना मत बोलो, हम करेंगे। हाँ। करना पड़ेगा, हॉरर चैलेंज करेंगे हम। I will also tie up my hair because yes. I don't want कि मेरा बाल खुला रहे whenever we doing anything of a horror challenge. देखो अभी भी मतलब ये रेडी है चैलेंज करने के लिए। So guys, we'll just wait till 12 and then we will start. उसके बाद we will start with the ritual. हाँ, तो चलते हैं अभी process की तरफ, challenge की तरफ। Yes. Veronica challenge at midnight, guys. और किक्की भी करेगी challenge। किक्की vlog के end तक बने रहे guys, और हमारे लिए प्रे करें। आई होप सब सब कुछ अच्छा हो और हम लौट के सही सलामत आए और आपको आके आगे की जो भी चीजें हैं हम आपको दिखा सके। यस, सो गाइस इट्स 12 o'clock, जैसे आप देख सकते हो 12 बज गए हैं, और अब कैंडल माचिस रेडी है। विवेक अभी रूम के बाहर जाएगा, मैं लाइट बंद करूंगी, और यहाँ पे मिरर है, यहाँ के पे हम लोग अभी ये चैलेंज करने वाले हैं। It's already 12 guys, let's start with the challenge. So guys, मैं कैंडल लेके रेडी हूँ अभी, और विवेक बाहर है, अंधेरा है, तो अभी ट्राई करते हैं। 9 times I have to say Veronica. Veronica, 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 Veronica. Nothing happened guys, कुछ तो ऐसे हुआ नहीं है। एक और बार ट्राई करती हूँ, पता नहीं, क्योंकि अभी तक कुछ हुआ नहीं है। I'll try once again. Veronica, 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 Veronica. लाइट फ्लिकर हुआ कैसे? कैंडल क्यों फ्लिकर हो रहा है? ओह शिट, कैंडल क्यों फ्लिकर हो रहा है?
वेरोनिका, क्या आप यहाँ पे हो? वेरोनिका, अगर आप यहाँ पे हो तो प्लीज कोई साइन दीजिए। वेरोनिका, अगर आप यहाँ पे हो तो प्लीज कोई साइन दीजिए। गाइज, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। आई थिंक आई टेल विवेक टू ट्राई, फिर देखते हैं एक बार वो भी कर ले। लाइट ऑन कर देती हूँ। गाइस, अभी डेबी को तो मैंने भेज दिया बाहर, अचानक से मेरे हाथ में लेने के कुछ सेकंड में कैंडल से छोटी पड़ गई। एनीवेज स्टार्ट करता हूँ, और अभी मैं 9 बार जो डेबी ने किया था वही सेम करने वाला हूँ, यानी कि मैं वेरोनिका को 9 बार याद करने वाला हूँ। तो चलिए अभी मैं स्टार्ट करता हूँ। वेरोनिका, 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 वेरोनिका। ऐसा कोई सिंबल मुझे अभी तक तो नहीं दिख रहा है, एज इफ मिरर में भी कोई खास मूवमेंट मुझे नहीं दिख रहा है कहीं से। एक बार फिर से पूछ सकता हूं मैं उनसे, वेरोनिका, क्या आप यहाँ पे हो? कोई रिप्लाई नहीं। एक बार फिर से ट्राई करते हैं। वेरोनिका, क्या आप हमारे आसपास कहीं पे हो? क्या आप इस रूम में कहीं पे हो? ऐसा कुछ भी हिंट नहीं मिल रहा है मुझे कि जिससे मैं आपको बता सकूं कि क्या चल रहा है। सो अब डेबी को बुला लेता हूं मैं और लाइट जला देता हूं, क्योंकि आई गेस कुछ नहीं आ रहा है तो फिर मुझे और नहीं नाम लेना चाहिए, अदरवाइज कुछ और कनेक्शन हो सकता है। डेबी, सो गाइस, मैंने ट्राई किया, इसने ट्राई किया, कुछ ऐसा तो हुआ नहीं, बट आई एम थिंकिंग कि आई विल गिव इट वन मोर शॉट, एक और लास्ट ट्राई करूंगी, देखती हूँ कि क्या होता है। सो लेट्स जस्ट गो अहेड एंड फिनिश दिस फटाफट। थोड़ा सा वियर्ड मुझे फील हुआ था, लेकिन कुछ क्लियर कुछ हाँ आ नहीं रहा था सिग्नल मुझे कि यहाँ पे कुछ है या वहां कुछ कोई परछाई दिख रही है, ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। सो इसलिए मैंने कहा कि अब डेबी को बुला लेता हूँ, एक लास्ट ट्राई करते हैं, एक लास्ट टाइम यही करने वाली है। मैं चला बाहर। यस, सो गाइस, आई एम रेडी एक और बार ट्राई करने के लिए। विवेक गए हैं बाहर, तो एक और बार ट्राई करते हैं। वेरोनिका, 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 फिर से कैंडल फ्लिकर हुआ बाकी। क्या आप लोगों को कैमरे पे कुछ दिख रहा है गाइस? प्लीज हमें बताएं, बिकॉज मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ओ, ये क्या था?
डिड यू गाइस सी कैंडल ऑलमोस्ट बुझने वाला था। वेरोनिका क्या आप यहाँ पे हो? प्लीज गिव अस अ साइन। एक और बार ट्राई करती हूँ, लास्ट, इसके बाद नहीं करूंगी मैं। वेरोनिका 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 विवेक विवेक क्या हुआ? ये लो पकड़ो, पानी पियो। अभी बताओगी हुआ क्या था? थोड़ा और पी लो। नहीं ठीक है। क्या हुआ था वहां पर? अभी तो इतना तेज चिल्लाई, क्या हुआ? मुझे लिटरली फील हुआ कि कोई मेरे बैक पे कूदा है। कूदा है? हाँ, लिटरली फील हुआ ऐसे कोई आके घप कर कैसे बैठा मेरे पे। पक्की बात? यस। तुमने मुझे डरा दिया यार। कुछ कागज वागज तो नहीं गिरा था? नहीं नहीं यार, पता नहीं, मतलब लिटरली फील हुआ कि कोई आया ऐसे। आई डोंट नो, मुझे तो गाइस आप लोग ही बताओ कि अगर आप लोगों को कैमरे पे कुछ दिखा, क्योंकि मैं ऑन द स्पॉट मोमेंट पे मुझे कुछ पता नहीं चला, क्योंकि तुम्हारे चिल्लाने से मैं डर गया। मैंने कहा कुछ शायद पता नहीं क्या हुआ, अब तुम समझ ही रही हो हम लोग जो कर रहे, पता नहीं उससे क्या हुआ। इसीलिए मैंने कहा था ये मतलब बहुत डेंजरस है ये। सो गाइस आप लोग ये ट्राई ना करें, मैं वापस से बोलूंगा, क्योंकि अभी पता नहीं क्या, मेरे को तो बिल्कुल ठीक लग रही है, लेकिन अभी ये बोल रही कि कुछ कूदा इसके कंधे पे, उसको कुछ दिखा भी नहीं, तो यहाँ तो बिल्कुल ऐसी कोई चीज है नहीं घर के अंदर। एक काम करो, अभी चालीसा प्ले करते हैं। हमने ये खिड़की विड़की भी खोली दी ऑलमोस्ट सब, बैक टू बैक चालीसा प्ले करते हैं विवेक। मेरे को चलो, अच्छा चलो, फीलिंग नहीं आ रही। चलो आज का यहीं पे खत्म कर दो, बिल्कुल भी अच्छा फीलिंग नहीं आ रही है। चलो आज का ब्लॉग खत्म करते हैं यहाँ पर और चलते हैं चालीसा। गाइज बहुत दिन बाद हॉरर चैलेंज ट्राई किया एंड आई एम नॉट फीलिंग गुड, तो व्लॉग यहीं पे खत्म करती हूँ। डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप लोगों को अगर कुछ दिखा, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है और ना ही विवेक को कुछ दिख रहा है, तो आप लोग जरूर बताएं कि कुछ ऐसा आप लोगों को दिखा। तो जब भी हॉरर चैलेंज करते कुछ ना कुछ होता ही है, गड़बड़ होता ही है। एनीवेज क्या कर सकते हैं अभी, जो प्लीज प्रे फॉर अस और बस बताएं जरूर कमेंट बॉक्स में अगर आप लोगों को कुछ दिखा तो। तो गाइस बहुत रिस्क लेके हम ये वीडियोस कर रहे हैं, सो प्लीज़ आप लोग जितना हो सके शेयर करें और एक बार दिखा दे आपका प्यार। मैं पता है मैं बहुत एम्बिशियस होंगी अब जब मैं ये बोलूँगी 1K लाइक्स कर दो, तो हम आगे हॉरर चैलेंजेस भी ट्राई करेंगे। बट देखो जहाँ पे 12-14 लाइक्स आते, शायद बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होकर बोल रही हूँ मैं, बट बस आप लोग का प्यार और सपोर्ट बना रहे, क्योंकि ये रिस्क जो हम ले रहे हैं वो सिर्फ आप लोगों के लिए ले रहे हैं। और बहुत अजीब फीलिंग हो रही है, एक तो इतने टाइम के बाद हमने ये चैलेंज किया और इतने समय के बाद आज फिर से कुछ मतलब चैलेंज के दौरान हुआ है, वो मैं कोशिश करूंगा कि इसको पूछूं कि क्या था एग्जैक्टली, क्या तुमने कुछ देखा, क्या पता करूंगा। अगर कुछ पता चलेगा तो अगले ब्लॉग में मैं आपको जरूर बताऊंगा। गाइज आप लोग तो डेफिनेटली बताएं, क्योंकि मुझे ऑन द स्पॉट मोमेंट में मुझे अभी कुछ समझ नहीं आ रहा, समझ भी नहीं आ रहा और मतलब अभी अभी बस मैं ब्लैंक हूँ बिल्कुल, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। अभी बस एक बार चालीसा कंटिन्यूस बजाऊंगी, प्रे फॉर अस। अगले व्लॉग में मिलते हैं गाइज, थैंक यू।